टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है और धोनी के नाम पर बीसीसीआई के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता उत्तर प्रदेश के अमेठी निवासी राजेश कुमार मौर्य ने बीसीसीआई एथिक्स कमेटी के नियम 39 के तहत आरोप दायर किया है। यह शिकायत उस 15 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले से संबंधित है जिसे भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी ने रांची के सिविल कोर्ट में मिहिर दिवाकर नाम के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाया था। बीसीसीआई की एथिक्स समिति ने इस संबंध में धोनी से 30 अगस्त तक जवाब मांगा है। इसके अलावा राजेश कुमार मौर्य को भी 16 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर पूरा मामला क्या है, इसलिए वीडियो को लाइक करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दरअसल बीसीसीआई के एक अफसर के पास महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज है। ये सभी आरोप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के तहत धोनी और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर के बीच चल रहे 15 करोड़ रुपए के विवाद से संबंधित मामले में लगाए गए हैं, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम के तहत क्रिकेट एकेडमी का संचालन करता था। 20 मार्च 2024 को हुई सुनवाई में रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले को सही पाया था, जिसके चलते मिहिर दिवाकर, सौम्या दास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को समन भेजा गया था। आपको बता दें कि मिहिर दिवाकर पर धोनी की तरफ से आरोप लगाए गए कि उन्होंने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया था। एग्रीमेंट साल 2021 में ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद मिहिर दिवाकर की कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उनके नाम का इस्तेमाल करना जारी रखा था। इस संबंध में धोनी के वकील दयानंद सिंह ने दलील रखी है कि मिहिर की कंपनी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई अकेडमी खोली हुई है, लेकिन इसके बावजूद धोनी के मुनाफे का कोई भी शेयर नहीं दिया गया है। इसके बाद ये भी बताया गया कि जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी को करीब 15 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। वेल गाइस, इससे रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा उसके लिए सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके हमसे जरूर जुड़ जाएं। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।